नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार यह मान रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को समाप्त किया जा सके। जमीन के मामलों के कारण ही आपराधिक मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब सरकार जमीन से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाना पर विचार कर रही है। बता दें कि बिहार के ज्यादातर जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का आधार पर बन रहे खतिहान में रैयत के नाम के साथ डाक का नाम पता भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में सिर्फ गांव का जिक्र रहता है, पता यानी कि एड्रेस नहीं रहने पर पत्राचार नहीं हो पाता है। ऐसे में अब विभाग रैयत से पत्राचार को लेकर डाक का पता ले रही है। पूरे मामले को लेकर सर्वे निदेशक जय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों गोवा के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ अनुभव साझा कर रहे थे। इसी दौरान जमीनी बातें श्रृंखला के तहत दोनों राज्यों के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि खतियान को डिजिटली फॉर्मेट में डाला जाएगा, यह रैयत के मोबाइल से भी जुड़ जाएगा ताकि कोई मैसेज तुरंत आ सके। गोवा का राजस्व सचिव संजय कुमार का कहना है कि नोटिस तामीला की सही व्यवस्था होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अधिकारियों को निबंधन की बाहरी एजेंसी से कराने, निबंधन के दौरान हरेक प्लॉट का यूनिक नंबर और उस प्लॉट का पूरा इतिहास दर्ज करने, विभाग की वेबसाइट के जरिए नोटिस का तामीला एवं भूमि सर्वे के रवाडा मॉडल का अध्ययन करने की सलाह दी है। मालूम हो कि अफ्रीकी देश रवाडा ने सिर्फ 4 साल में भूमि सर्वेक्षण कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सर्वे के मामले में इस मॉडल को एक बेहतरीन मॉडल के रूप में देखती है। इस वर्चुअल बैठक में बोलते हुए गोवा के राजस्व सचिव संजय कुमार ने बताया कि गोवा में नक्शे का इस्तेमाल सिर्फ संदर्भ के तौर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यवहार में जमीन की नापी के लिए मानक सर्वेयर का आकलन की मान्यता होती है। गोवा में सरकार के नियंत्रण में अधिक भूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ा इलाका जंगलों से आच्छादित है, जमीन के बड़े हिस्से पर मालिकाना हक कुछ लोगों के पास है। इधर अधिकारियों ने कहा कि अधिकार अभिलेख बनाने के लिए सर्वे की जरूरत नहीं है। संपत्ति का डाटाबेस, निबंधन के साथ म्यूटेशन और दस्तावेज की सूची बनाने से भी यह काम हो सकता है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विकसित देशों की भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ। उदाहरण के रूप में बताते हुए कहा कि ब्रिटेन में अभी तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ, जबकि ब्रिटेन सरकार ने ही भारत में सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण करवाया था, जिसे हम आज कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं। अब तक जमीन यानी कि किसी भी प्लॉट की चौहद्दी होती थी और उसका मौजे के साथ गांव का नाम दर्ज होता था, लेकिन अब सरकार उस प्लॉट के मालिक का डाक पता भी अपने साथ रखेगी ताकि कभी पत्राचार करने की जरूरत हो तो किसी तरह से कोई परेशानी न हो। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। एक तरह से कहें बिहार सरकार जमीनी मामलों को लेकर लगातार अपडेट जारी करती रही है। इसी कड़ी में अब जो नया अपडेट सामने आया है उसमें यही है कि रैयतों के जो प्लॉट हैं उस प्लॉट को जो है जब नया खतिहान जुड़ेगा तो उसमें जो है उनके पत्राचार का भी पता साथ में जोड़ा जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।